आई फ्लू के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जम्मू कश्मीर के तमाम आम शहरियों को। आई फ्लू के सिम्टम्स क्या हैं, कितने केसेस अभी तक आई फ्लू के जम्मू कश्मीर में जो है वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल से रिपोर्ट हुए हैं, आई फ्लू से बचने के लिए क्या करना है और आई फ्लू किन लोगों को हो सकता है और आई फ्लू के होने के बाद किस तरीके का ट्रीटमेंट होना चाहिए, ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आप तक साझा करने की कोशिश करूँगा। कि आप लगातार 20 सेकंड तक अपने हाथ को साबुन से अच्छे तरीके से धोएं। अगर आपके पास साबुन अवेलेबल नहीं है, डिटॉल अवेलेबल नहीं है, तो आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। जो लोग स्विमिंग पूल्स में नहाने जाते हैं उन लोगों के लिए कहा गया कि आप स्विमिंग पूल्स को फिलहाल अवॉइड करें, क्योंकि स्विमिंग पूल में हर शख्स नहाने जाता है तो किसी भी इंसान से किसी को भी जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है। अगर जिम में आप जिम कर रहे हैं और जिम का जो टॉवल है वो अकेले अलग से यूज़ करें, अगर घर में आपका वॉशरूम में टॉवल है तो उसे अलग से यूज़ करें, और जिस सोने के वक्त जिस पिल्लू का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका भी आप अलग से जो है वो खुद के लिए ही इस्तेमाल करें। मेकअप अगर ख्वातीन हमारी बहनें करती हैं तो मेकअप ब्रश को जो है वो बचा के रखें और किसी दूसरी को ना दें। आई लाइनर को भी जो है वो सिर्फ खुद ही इस्तेमाल करें, किसी दूसरी को ना दें। और आई फ्लू कोई इतनी ख़तरनाक बीमारी नहीं है कि जिसकी वजह से आप लोगों को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। 1 से 2 हफ्ते तक आपकी आँखों में आई रेडनेस रहेगी, आंखों से पानी निकलता रहेगा, स्वेलिंग होगी। अगर आप 2 हफ्ते तक प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो आपकी आंखें जो हैं वो बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी। इंग्लिश बूस्टर में खास क्या है? ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पर मुमने उर्दू और कश्मीर तर्जुमे के साथ साथ एक और सेशन किताब है। बच्चों को रटा लगा कर याद करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इंट्रक्शन से ही उनकी स्पीकिंग एबिलिटी बूस्ट होती है। इसमें वही कॉन्टेंट है जिसका हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। कलर प्रिंटिंग के साथ साथ 3 जुबानों में ग्रामर है। अगर आप इस किताब को मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रابطہ करें। हवातीनों हजरात, आपको मालूम है कि इस वक्त लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट से आई फ्लू केस जो है वो रिपोर्ट हो रहा है। टोटल फिगर जो है वो 15,000 के आसपास बताई जा रही है जिन लोगों को आई फ्लू हुआ है, और जिसमें कि 2 बड़े हॉस्पिटल्स की अभी तक भी रिपोर्ट नहीं सामने आई है। इसी हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आई फ्लू के सिम्टम्स क्या हैं और आई फ्लू किन लोगों को हो सकता है, आई फ्लू होने के बाद ट्रीटमेंट क्या है और किस चीज़ का एहतियात बरतना है, वो भी आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जम्मू से 9,127 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा की एक रिपोर्ट के मुताबिक। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें जो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मीर मुश्ताक जो स्पोक्स पर्सन भी उनके हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया कि 5,320 केसेस जो हैं वो आई फ्लू के वादी कश्मीर के अंदर रिपोर्ट हुए हैं, और जिसमें कि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो हमारे पास भी आई है। 781 केसेस जो हैं वो वादी कश्मीर के अनंतनाग से पाए गए हैं, 15 केसेस बांडीपुरा से, 1,000 केस बारामूला से, 350 केस बडगाम से, 227 केस गांधरबल से, 164 कुलगाम से, 412 केस कुपवाड़ा से, 924 केस पुलवामा से, और 601 केस शोपियान से, और 786 केसेस जो हैं वो श्रीनगर से। हालांकि इसी हवाले से ये बताया जा रहा है कि हर रोज़ हर हॉस्पिटल में जो है वो 20 से 30 और 30 से भी ज़्यादा केसेस आई फ्लू के जो हैं वो ओपीडी में चेक किए जा रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको आई फ्लू से बचना है तो इसके लिए प्रिकॉशंस क्या हैं। पहले तो ये है कि आप लगातार 20 सेकंड तक अपने हाथ को साबुन से अच्छे तरीके से धोएं। अगर आपके पास साबुन अवेलेबल नहीं है, डिटॉल अवेलेबल नहीं है, तो आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें जिसमें 60% तक जो है वो पूरे तरीके से जो है वो अल्कोहल से बचा होना चाहिए, उसकी कंजप्शन नहीं होनी चाहिए। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सैनिटाइज़र का जो इस्तेमाल है वो कंटिन्यूसली आपने लगातार करना है। और आई फ्लू कोई इतनी ख़तरनाक बीमारी नहीं है कि जिसकी वजह से आप लोगों को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। 1 से 2 हफ्ते तक आपकी आँखों में आई रेडनेस रहेगी, आंखों से पानी निकलता रहेगा, स्वेलिंग होगी। अगर आप 2 हफ्ते तक प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो आपकी आंखें जो हैं वो बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी। हालांकि तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो लोग स्विमिंग पूल्स में नहाने जाते हैं उन लोगों के लिए कहा गया कि आप स्विमिंग पूल्स को फिलहाल अवॉइड करें, क्योंकि स्विमिंग पूल में हर शख्स नहाने जाता है तो किसी भी इंसान से किसी को भी जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है। अगर जिम में आप जिम कर रहे हैं और जिम का जो टॉवल है वो अकेले अलग से यूज़ करें, अगर घर में आपका वॉशरूम में टॉवल है तो उसे अलग से यूज़ करें, और जिस सोने के
वक्त जिस पिल्लू का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका भी आप अलग से जो है वो खुद के लिए ही इस्तेमाल करें। मेकअप अगर खवातीन हमारी बहनें करती हैं तो मेकअप ब्रश को जो है वो बचा के रखें और किसी दूसरी को ना दें। आई लाइनर को भी जो है वो सिर्फ खुद ही इस्तेमाल करें, किसी दूसरी को ना दें। और इसी हवाले से ये भी इतला है कि अगर आपको आई फ्लू होने का लगता है कि आपको आई फ्लू हो सकता है तो आपको जो है वो आंखों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। जब आप पलकें बंद करेंगे तो उस वक्त में भी आपको दर्द महसूस होगा। और अगर ऐसे हालात आपको लगता है कि आपके साथ हो रहे हैं तो खुद को जो है वो अलग जोन में रखें और जितना हो सकता है उतना रेस्ट करें घर पे, धूल मिट्टी से बचाकर अपने आप को रखें, पोल्यूशन का ज़्यादा सामना ना करें। ना कि सिर्फ इतना ही बल्कि आई फ्लू के दौरान में जो है वो एंटी बैक्टीरियल मेडिकेशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, आई ड्रॉप्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें और जितना हो सकता है एक बेहतर जो है वो ट्रीटमेंट का भी इस्तेमाल करें। हालांकि मैं आपको कुछ और भी इतला जो है वो आपके साथ साझा करना चाहूँगा खवातीनो हज़रात जो मेरे पास इस वक्त निकल कर आई हैं और जो आपके साथ बताना बहुत इंतहाई अहम ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले तो ये चीज़ है कि इसमें जो है वो आंखों से आंसू आते हैं, ठीक है, और जो आप जब आंसू आ रहे हैं नीचे वो किस चीज़ से आप साफ़ कर रहे हैं वो चीज़ें आप देख लें, किस टॉवल से कर रहे हैं, क्या उसको कोई और तो नहीं यूज़ कर रहा है। दूसरी चीज़ ये कि बार बार आंखों को रब नहीं करना है उंगली के साथ, नाक खुजला रहे हैं वही हाथ उंगली जो है वो आंखों के ऊपर है, तो इस तरीके की चीज़ों से भी जो है वो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा सेपरेट हो सकता है, ये एलर्जिक रिएक्शन बहुत ज़्यादा कर सकता है। इसमें कॉस्मेटिक्स का चीज़ों का बहुत कम इस्तेमाल करना है और इसमें जो है वो डस्ट वगैरह से दूर रहना है, साफ़ शफाफ पानी का इस्तेमाल करना है हाइजेनिक तरीके से, और जो अपनी डाइट है वो थोड़ी मजबूत रखनी है इस वायरल इन्फेक्शन के लिए। ये वायरल इन्फेक्शन जो है वो लगातार बढ़ रहा है और इस वायरल इन्फेक्शन के इवज़ में कई सारे लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में हैं, और जिन लोगों को भी ये हुआ है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपना ट्रीटमेंट घर पर रह के करें तो वो बहुत अच्छा है। फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग जो है वो ज़रूरी है, सोप का इस्तेमाल करना है। ये वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है एक की आंखों से दूसरे की आंखों में भी अगर आपने अपने हाथों को नहीं धोया और उन्हीं हाथों को किसी और के साथ भी इस्तेमाल किया है। और इम्पॉर्टेंट ये कि इसमें मेडिकल जो अटेंशन है वो होना बहुत ज़रूरी है और इसमें जो है वो इंसान को अपना आप ढीला नहीं छोड़ देना है कि ठीक है जनाब आंखें लाल हो गई कल नहीं परसों इलाज करूँगा, परसों नहीं तरसों इलाज करवाऊँगा, तो इस चक्कर में जो है वो आपकी आंखों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। आप जो भी यूज़ कर रहे हैं आई ग्लास वगैरह, ठीक है, अगर आप कोई सन ग्लासेस यूज़ कर रहे हैं तो वो आप खुद ही यूज़ करें, किसी और को ना दें, और कनेक्टेड लेंस का बहुत कम इस्तेमाल करें क्योंकि उनका इस्तेमाल भी आपके लिए जो है वो हानिकारक साबित हो सकता है। और जो आई फ्लू है ये एक ऐसा डिजीज़ है जो ट्रांसमिटेड है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, और इस डिजीज़ की वजह से जो है वो सामने वाले इंसान को भी नुकसान पहुंच सकता है। ये वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एलर्जिक और इन्वायरमेंट फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है और इससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी आपकी आंखों को पहुँच सकता है। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आई फ्लू के हवाले से इम्पोर्टेंट डिटेल्ड रिपोर्ट थी डेली तस्कीन के ऊपर आमिर सुहेल के साथ।